दोस्तों स्वागत है आपका द साइकोलॉजी क्लासेस में और हम हाजिर हैं आपके साथ एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइजिंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम साइकोलॉजी के उन फील्ड्स की बात करेंगे जो बेसिकली थोड़े कम प्रचलित हैं और उनमें भी करियर बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स के बारे में और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन सभी के बारे में तो आपने पहले ही बहुत सुना होगा। बात करते हैं कुछ डिफरेंट ब्रांच, कुछ डिफरेंट फील्ड के बारे में, जिनमें सबसे पहला साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो है मिलिट्री साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के इस फील्ड में साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज मिलिट्री सेक्टर में किया जाता है। पहली बार अमेरिकन मिलिट्री फोर्स में साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स का यूज आर्मी के लिए किया गया था और आज तक इसका यूज वहां पर किया जाता रहा है। बात करें अगर अपने देश की, तो इंडिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से इंडियन मिलिट्री फोर्स में साइकोलॉजी का यूज किया जा रहा है और इसके लिए 1943 में रक्षा मंत्रालय के तहत एक विशेष इंस्टीट्यूट बनाया गया था जिसे DIPR के नाम से जानते हैं। DIPR यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। इस फील्ड के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उन पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती है इसकी बात करते हैं। सबसे पहला, अलग अलग लेवल पर डिफेंस से रिलेटेड पोस्ट होती हैं तो उन पे भर्ती करना इन साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। इसके बाद नंबर दो, जो डिफेंस फील्ड में कार्य करने वाले हमारे जवान हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना, ये भी एक बहुत जरूरी काम साइकोलॉजिस्ट का होता है। इसके बाद नंबर तीन है साइकिक फोर्स, यानी कि मनोबल को डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना भी साइकोलॉजिस्ट का एक काम होता है। और चौथा और सबसे जरूरी काम, मिलिट्री मैन बहुत स्ट्रेसफुल और सीरियस सिचुएशन में 24 घंटे काम करते हैं, जिसका इफेक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस फील्ड में साइकोलॉजिस्ट का काम होता है उनके टेंशन और स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करना और उन्हें उस कंडीशन में काम करने के लिए और ज्यादा मेंटली प्रिपेयर करना। तो ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम मिलिट्री साइकोलॉजी में होता है और मिलिट्री साइकोलॉजी उतना ज्यादा प्रचलित हमारे देश में नहीं है जितना कि बाकी के देश में है। इसके बाद जो दूसरा फील्ड है वो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। अब आपको तो पता ही होगा कि कानून और मनोविज्ञान का रिश्ता बहुत पुराना है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हम इसी रिश्ते का अध्ययन करते हैं। बेसिकली फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है क्रिमिनल के बिहेवियर का अध्ययन करना, किसी सस्पेक्ट पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए या फिर नहीं चलाना चाहिए, इसका अध्ययन करने में भी साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस की एक अहम भूमिका होती है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी का यूज कोर्ट, लॉ, गवर्नमेंट एजेंसीज में तो होता ही है, इसके अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी इसका काफी यूज किया जाता है। रिहैब सेंटर में रिहैब एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। इसके बाद जो तीसरा फील्ड है जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है एरोस्पेस साइकोलॉजी, या फिर इसको एविएशन साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो एविएशन साइकोलॉजी में हम उन लोगों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं या फिर उन लोगों के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं जो एयर स्पेस में जॉब करते हैं, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स, पायलट, को पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह। और वैसे भी जो कमर्शियल एयरलाइन पायलट की जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब कही जाती है, इसी तरह एयरलाइंस की फील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझना, स्टडी करना, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम को जो लोग फेस कर रहे हैं उन वर्कर्स की काउंसलिंग करना, एक एविएशन साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पायलट, को पायलट और बाकी के क्रू मेंबर्स के पीस ऑफ माइंड और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी एविएशन साइकोलॉजिस्ट की होती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा उभरता हुआ फील्ड है जिसके बारे में थोड़े कम ही लोगों को जानकारी है और यहाँ पे भी एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फील्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट फील्ड है वो है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इसमें साइकोलॉजिस्ट का काम होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल बिहेवियर को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना, समझना और एनालाइज करना। इसके अलावा पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत गवर्नमेंट में करप्शन, रेसिज्म, टेररिज्म, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में कैसे रिलेशन है, इन सब की स्टडी भी की जाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट
एच डी लॉजवेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुक साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ने पॉलिटिकल साइकोलॉजी को समझाने में काफी ज्यादा मदद की है और वो इस फील्ड की एक बेस्ट बुक में से एक है। इन सबके अलावा पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट का एक और सबसे जरूरी काम वो है वोटर्स के बिहेवियर और उसके माइंड को समझना। आपने देखा ही होगा पॉलिटिशियन जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उसी के हिसाब से कपड़े, बोलचाल और सिर्फ उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं जो कि वहां के वोटर्स सुनना चाहते हैं। तो ये सब प्री प्लान्ड होता है और ये सब एक साइकोलॉजी ही है। तो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है वोटर्स के सोशल, कल्चर, इकोनॉमी और रिलीजन को ध्यान में रखते हुए ये एनालाइज करना कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे हम वोटर्स के माइंड को अपने साइड डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। इसके बाद अगले फील्ड की बात करें तो जो अगला फील्ड है वो है जेरोसाइकोलॉजी। तो और जेरोसाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं बूढ़े लोगों के मेंटल कंडीशन और मेंटल हेल्थ का। स्पेशली यहाँ इस फील्ड में हम ये भी देखते हैं कि क्या बूढ़े लोगों के मेंटल हेल्थ के मूल्यांकन और ट्रीटमेंट के लिए जो मेथड यूज किए जा रहे हैं वो यंग एज के लोगों के जैसे हैं या फिर उनसे अलग हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति की एज के बढ़ने के साथ साथ सोसाइटी का, सामाजिक और आर्थिक स्तर का और जनरेशन का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर उनके मेंटल कंडीशन पे क्या इफेक्ट होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंसान के अंदर मेंटल अनस्टेबलनेस आने लग जाती है, जैसे कि थोड़ी कम बातें याद रख पाना, जल्दी जल्दी भूल जाना, लोगों को पहचान ना पाना वगैरह। तो इन सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का अध्ययन हम जेरोसाइकोलॉजी में करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और गवर्नमेंट के माध्यम से ओल्ड एज होम चलाए जाते हैं जहाँ पर जेरोसाइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन, एक अच्छा फील्ड हो सकता है आपके करियर के लिए। ये तो है साइकोलॉजी के कुछ ऐसे फील्ड जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है या फिर काफ़ी कम लोगों को इनके बारे में पता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनके बारे में थोड़ी कम जानकारी है, जैसे कि इकोनॉमिक साइकोलॉजी, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और करेक्शनल साइकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको इन डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जानकारी दीजिए। और अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सजेशन है तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोस। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे।